हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने कार में व्यस्त होंगे। तो गाइज, इस समय बीएड वर्सेस बीटीसी अर्थात बीएड को लेकर के काफ़ी लेटेस्ट न्यूज आ रही हैं और इसी पर लगातार चर्चा हो रही है। और इस समय ट्विटर पर ये ट्रेंड कर रहा है बीएड मामला, इसको प्राइमरी में फिर से शामिल किए जाने के संबंध में क्या है लेटेस्ट अपडेट, क्या है न्यूज, उसको देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज आपको हम दिखाते हैं। देखिए, ये है लेटेस्ट न्यूज के कुछ पॉइंट, देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। यहां पर कई पॉइंट्स हैं इससे संबंधित, मैं अभी बात करने वाला हूं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात कुछ लोग देखिए क्या दे रहे हैं। यहां पर सूत्र से पता चल रहा है, क्या लिख रहे हैं कि बीएड प्राइमरी में फिर से एंट्री लेने जा रहा है संशोधन के साथ। तो यहां पर संशोधन के साथ जा रहा है, ये कौन लोग बता रहे हैं, कैसा है सूत्र, पूरा मामला क्या है, इस पर बात करते हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी मैंने सुबह में ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और कुछ घंटों पहले, उसमें क्या क्या नए नए विचार आ रहे हैं लगातार, उसकी भी हम बात करते हैं। वास्तव में उन बिंदुओं पर बहुत ही सोचने विचारने की बात है, उन पर बिल्कुल विचार किया जाए। सबसे पहले मैं ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करूं तो यहां पर आप देख लीजिए, बिल्कुल ये सूत्र से पता चल रहा है। सूत्र भी हैं कुछ ऐसे जो बिल्कुल संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट कर रखा है, अपने अपने जो है अपडेट दे रहे हैं। तो इस अपडेट को देखिए, बिल्कुल क्या है पहला अपडेट कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर विचार विमर्श के लिए होगी आपात मीटिंग। और दूसरा पॉइंट जो है, दूसरे पॉइंट में देख रहे हैं आप कि दूसरे, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में कह रहा है एनसीटीई की सेक्रेटरी ये फलाना डिमका करेंगी अध्यक्षता। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, 2018 के गजट की त्रुटियों अथवा कमियों को सुधार कर नया गजट होगा जारी। फिर अगला बिंदु है कि 28/6/2018 से ही होगा नया अथवा संशोधित गजट मान्य, मतलब इसके बाद से ही जो संशोधन हुआ वही मान्य होगा। और क्या संशोधन है, सभी टीचर ट्रेनिंग को ध्यान में रखकर होगा, सभी टीचर ट्रेनिंग को ध्यान में रखकर होगा। और मैं आपको बता दूं इससे संबंधित एक पॉइंट और क्या है, बीएड बीटीसी डीएलएड दूरस्थ बीटीसी विशिष्ट बीटीसी इत्यादि डिग्री धारकों का नहीं होने देंगे अहित, बिल्कुल अहित नहीं होने देंगे। और ये बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव का ट्वीट है ये। और मैं यहीं पर एक दूसरा ट्वीट दिखा रहा था अभी जो आपको, कि बीएड प्राइमरी में फिर से एंट्री लेने जा रहा है संशोधन के साथ। और मैं आपको बता दूं, अभी मैं सुबह में ही जो वीडियो अपलोड किया था उसमें बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आए, बहुत ही अच्छे विचार आए। उन विचारों को आप देखिए कि आखिर ये क्या है, आखिर ये सोचने लायक है कि नहीं है। ये बिल्कुल कमेंट आता है रिजा सक्सेना जी का, जी बिल्कुल, ये भी बिल्कुल बहुत ही तत्परता से ये लोग लगे रहते हैं बिल्कुल स्टडी में और बीएड करके, तो वास्तव में क्यों नहीं दुखी होंगे। देखिए यहां पर क्या लिखते हैं, जो ये खुशी मना रहे हैं, कौन लोग खुशी मना रहे भाई, जो ये खुशी मना रहे हैं कि बीटीसी जीत गया बीएड हार गया। दरअसल हारा हमारा सिस्टम है, हारे हमारे अफसर हैं, हारे हमारे नेता हैं, हारी हमारी न्यायपालिका है, जो देश के लिए 75 साल में ये मापदंड नहीं तय कर सके कि किस क्षेत्र विशेष के लिए शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए। बहुत ही लाजवाब कमेंट है ये, और बिल्कुल ट्वीट करते हैं ये भी लगातार, इनका ट्वीट जारी है, वी वांट्स बीएड इन प्राइमरी, ठीक है ये भी। और लगातार मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग भी लगातार ट्वीट करते रहें, जहां तक हो सकेगा मैं आप लोगों का सपोर्ट, बिल्कुल आपके सपोर्ट के लिए तैयार हूं, खड़ा हूं। देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारा सिस्टम आप लोग जानते ही हैं कि मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों को पढ़ाने का कार्य करता हूं, एक भी शुल्क नहीं लेता हूं, ठीक है। कई लोगों ने तो ये भी ट्वीट कर रखा कि अपनी दुकानदारी सभी लोग स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन उनकी एक गंदी मानसिकता है, एक गंदी सोच है, शायद वो भी बीएड कर दे तो उनका पीड़ा उनको भी एहसास हो। और देखिए और मजेदार कमेंट क्या है इनके, जो इस कमेंट में कई लोगों का सपोर्ट भी आ रहा है, ये सपोर्ट देखिए, बिल्कुल ये इनका कमेंट है, इनमें सपोर्ट देखिए, कई लोगों ने इनमें सहमति जताई है बिल्कुल। और सहमति मैं आपको बता दूं, इसमें देखिए 43 लोगों ने बिल्कुल सपोर्ट किया है। और देखिए क्या लिखते हैं इसमें, अन्य लोगों का भी जो इसमें है कमेंट, उसको भी आप लोग देख लीजिए क्या लिखते हैं। ज्योति मिश्रा क्या लिखती हैं कि बड़े बड़े कोचिंग वाले चुप बैठे हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो मैराथन करा रहे हैं, चैनल मैराथन करा रहे हैं, इतने चैनल हैं मगर बीएड के सपोर्ट में कोई नहीं आया।
आएगा। जी बिल्कुल, इनका भी कहना सही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भाई भरमार है, भीड़ है, तमाम ऑफर देते हैं, तो सपोर्ट बिल्कुल करना चाहिए, सभी कोचिंग संस्थान को करना चाहिए, मैं इस पक्ष में बिल्कुल हूं। और इसके बावजूद, इसके अलावा और देखिए क्या क्या कमेंट हैं जिस पर विचार करना चाहिए। देखिए ये लिखते हैं, बिल्कुल यूजर नेम इन्होंने अपना हाइड कर रखा है, और क्या लिखते हैं कि सरकार का काम है लोगों को बांट दो, फिर उनका अधिकार ही छीन लो। देखिए ऐसा है, मैं ये कमेंट इनका पढ़ रहा हूँ, मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, कोई नियम कानून तोड़ना नहीं है, केवल जो मैसेज है मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। देखिए आगे का प्लान ये है कि बीएड डीएलएड अलग हो जाए, डीएलएड की संख्या कम है, आने वाली वैकेंसी संविदा पर कर देंगे, डीलेड वाले खुश हैं, बीएड को बाहर करके फिर बीएड वाले खुश होंगे, डीलेड को संविदा पर देखकर जनता आपस में लड़े, काम सरकार का हो, मंद बुद्धि ऐसे ही लड़ते रहेंगे, कभी न समझ पाएंगे उनके साथ हो क्या रहा है। ठीक है, देखिए बिल्कुल 17 लोगों का यहाँ पर भी सपोर्ट है, अब तो फिलहाल ज़्यादा हो गया है, तो क्या इस पर विचार नहीं होना चाहिए, क्या इनका कमेंट सही है, आप लोग ऐसे कमेंट से कितने सहमत हैं, यदि आपके भी विचार में कोई कमेंट आ रहा है, कोई अच्छा विचार आ रहा है, तो आप लोग भी कमेंट करिए, उसको हम सब तक फैलाएंगे और आपके हम सपोर्ट में बिल्कुल बने रहेंगे। और देखिए और लोगों का कमेंट क्या रहा है भाई, कई कई फेसबुक पर लगातार चल रहा है, इंस्टाग्राम पर चल रहा है, ट्विटर पर चल रहा है कि बीएड वालों से ज्यादा कोचिंग सेंटर वाले परेशान हैं, जो कोचिंग संचालक बीएड के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं वो आज तक नई शिक्षक भर्ती पर साथ तक नहीं दिए, और केवल अपनी दुकान से भीड़ कम होने की चिंता की वजह से सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडा फैलाकर अपने दोहरे चरित्र का परिचय दे रहे हैं। यह गुरु नहीं केवल व्यापारी हैं, सभी सावधान रहें, डीलेड भाई के साथ कोई खरा न नेता न कोचिंग संचालक, सब खिलाफ कर रहा है। ये देखिए डीलेड वालों की पीड़ा है, जो डीलेड हैं अर्थात बीटीसी हैं उनकी ये पीड़ा है, तो सब अपनी अपनी पीड़ा दिखा रहे हैं भाई। ठीक है, इस पर भी सपोर्ट कर रहे हैं लोग। और देखिए ये तो बिल्कुल भी हृदय को झकझोरने वाला है कि हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एनसीटीई के नियमानुसार बीएड किया था कि वो प्राइमरी में भी मान्य होंगे, लेकिन अब अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड करने वालों को बाहर किया जाता है तो इससे हम लोगों की क्या गलती है। जी बिल्कुल, क्या गलती है भाई, इससे पहले ही अगर पता हो तो क्यों उनमें वो जाएं उस सेक्शन में। कुछ लोग कह रहे हैं बीएड वाले तो टीजीटी में तो मान्य हैं ही, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना होने के कारण वे टीजीटी में नहीं अप्लाई कर सकते। बिल्कुल ये करेक्ट बात है, बिल्कुल सही बात है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना होने के कारण टीजीटी में नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए तो ऑप्शन यही था। और एक और बता दे, कुछ लोग कमेंट करके लगातार ये भी कह रहे हैं कि दम है तो आपको ये जूनियर में जाओ, आप जूनियर में करके दिखाओ कुछ, तो मैं आपको बता दूं प्राइमरी में जब ये पहुंचेंगे तो प्राइमरी से तो सीधे 50% उसमें डायरेक्ट लिए जा रहे हैं प्रमोशन के थ्रू, तो उसमें कहां इतनी भीड़ नहीं आ जाएगी, तो ये भी सोचने वाली बात है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल आप लोग निराश ना हो, बिल्कुल निराशा की बात नहीं है, देखिए कुछ अच्छा होने वाला है, और बिल्कुल ऐसा तो संभव नहीं कि ऐसा होगा। आप लोग लगातार सपोर्ट करते रहिए, ट्वीट करते रहें, जहां तक हो सकेगा आप कमेंट के बॉक्स में हमारे कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं आपकी बात को रखूंगा सबके सामने। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जिंदगी में सफलता कभी भी पक्की नहीं होती और असफलता कभी भी अंत नहीं होती, इसलिए आप अपनी कोशिश तब तक जारी रखें जब तक आपकी जीत एक इतिहास ना बन जाए। देख रहे हैं कितने लोगों का सपोर्ट है, तो आपका भी कितना सपोर्ट आ रहा है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइए, और मैं आपको ऐसे अपडेट देते रहता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।